हर हर महादेव। तो जूनागढ़ हम पहुंच गए हैं, भवनाथ पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैफिक भी देखा है। तो हम लोग पहले बस स्टैंड गए थे, बस स्टैंड पे बहुत सारे ट्रैफिक थी। आपको बस स्टैंड पे बस से आप आओगे तो आपको अंदर अंदर आपको ले जाएंगे, किनार गेट से अंदर आपको ले जाएंगे। बट आप जो ऑटो रिक्शा में आओगे ना तो आपको गेट पे ही उतारेंगे। तो आप जरूर जो बस में आपको मिल जाए जगह तो वहाँ पे ही, वहाँ से ही सीधा आ जाओ। और हम लोग ऑटो रिक्शा में आए थे, 20-20 रुपए में बस स्टैंड से इधर तक का ये पूरा चार्ज था उनका, और बस में 10 रुपीज लेते हैं। तो चलिए पूरा आज मेला देखते हैं। इधर भी है भंडारा है, देखो इतने कितने सारे इधर भंडारे लगाए हुए हैं। फ्री में आपको खाना खिलाते हैं, प्रेम से खाना खिलाते हैं। आप जरूर इधर आओगे तो आपको इस ये भंडारे का खाना आप जरूर ट्राई करना, मजा आएगा। बाकी अंदर आते ही आपको एटमॉस्फेयर बहुत अलग ही देखने को मिलेगा, मजा ही अलग है भाई। एक बार मेला करना, मजा आएगा। फुल सिक्योरिटी, आपको नेता बन जाओ भाई, फुल सिक्योरिटी मिलेगी। मैं तो तलाजी के नहीं दूर से भाई साहब, ट्रैफिक देखो। ये है दामोदर कुंड, ये बहुत ही पवित्र है, इसको कुंड माना जाता है। हर हर महादेव। भैया मैंने बोला ऐसा, आपको जो बस में आना हो तो आपको भवनाथ के गेट के पास ही आपको उतारेगी। आप ऑटो में आओगे तो आपको 8.5 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। भाई साहब ट्रैफिक देखो। तो यहाँ से मेन मेला स्टार्ट होता है भवनाथ प्रवेश द्वार से। तो मैं भी पहली बार ये मेले में आया हूँ, तो चलिए देखते हैं ये पूरा प्लेस कैसे आयोजन है। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन साधु बाबा होते हैं, तो मैं आज पूरा आपको दिखाऊंगा, मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहना। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मेन मंदिर के पास। मेन मंदिर आपको सामने की ओर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा लाइटिंग। ये देखो मेन मंदिर है पूरा, यहाँ से शुरू होता है साधु बाबा का टेंट्स और सब कुछ यहाँ पे रहते हैं। मैं पूरा इधर से दिखाऊंगा आपको। और ट्रैफिक देखो भाई, जब्बर ट्रैफिक थी, मे बी 10 लाख ऑफ ट्रैफिक होगी आज। तो देखो ये पूरा टेम्पल और यहाँ से साधु बाबा देखते हैं, चलो।
लगाइए नारे, हर हर महादेव। जैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे, ऐसे ही आपको वहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए राइड्स और सब कुछ लगाया गया है। आगे की ओर जाओगे तो फास्ट फूड के स्टॉल भी है। देखो बाबा अपने चेलों के साथ बैठे हुए हैं वहाँ पे भट्टे में, वो चाह वो सब कुछ बनाते हैं और पिलाते हैं बाबा। देखो भाई, इसमें मैंने एक बात नोटिस की, ये लोग सिर्फ साधु बाबा के पास से ही दान लेते हैं। मैं नोटिस किया था। तो जैसे हम आगे चलते चलते आगे की ओर चले तो यहाँ पे मैंने एक साधु बाबा देखे, वो एक ही पैर पे खड़े हुए थे। देखो एक ही पैर पे खड़े हुए थे, वहाँ पे पूरा उनका सेटअप लगाया हुआ था। यहाँ पे देखो चिलम दादा फूंकते हुए, वाह मस्त, रिकमेंडेड है भाई, एक बार तो जरूर आप भवनाथ का मेला करें, शिवरात्रि का मेला करें। देखो साधु बाबा ने वहाँ पे बहुत अच्छी चाय बनाई हुई है, पट्टे पे बना के यहाँ पे उनके चेलों को और भक्तों को पिलाते हैं। हमारे यहाँ के फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट राजभा गढ़वी भी इधर आए हुए थे। तो अभी चलो मैं आपको भंडारे का खाना दिखाता हूँ। केशोद अन सत्र में हम लोग गए थे, देखो पूरा अच्छी तरह से नीचे बैठने का है, पूरा आसन सब कुछ बिठाया गया था। यहाँ पे एक सब्जी, खिचड़ी, रोटली, बाजरे का रोटला और सब कुछ, यहाँ पे छाछ और सब कुछ मेनू था। देखो बहुत ही अच्छा गर्मा गर्म आपको खाना पिरोसते हैं लोग, मस्ट रिकमेंडेड है भाई। शिवरात्रि का मेला हो और आप आए हो तो यहाँ का खाना जरूर, भंडारे का खाना जरूर ट्राई करें, चूल्हे पे खाना बनता है पूरा। खाना खाने के बाद हम लोग चल पड़े मेन मंदिर के दर्शन के लिए। बहुत अच्छी वहाँ पर लाइटिंग और सब कुछ लगाया गया था, वहाँ पर मैनेजमेंट सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, तो आपको धीरे धीरे आपको दर्शन भी कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, बहुत ट्रैफिक थी तभी, तो इस तरह से हमने पूरा शिवरात्रि का मेला 2023 का पूरा किया। आप ज़रूर आए, मस्ट रिकमेंडेड है, यहाँ का माहौल देखें, बहुत मज़ा आएगा। ऐसी वीडियो में बनाता रहूँगा, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।